अश्व समय का हिन 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 यादी बरसे रिम झिम रिम झिम अश्व समय का हिन 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 धूल उड़ाते पग पग पल छिन कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन घड़ी टिक टिक धिनक धिनक धिन बीती उमरिया सांसे गिन गिन मूक बधिर धित राष्ट्र सरी के भूत भविष्य के नेत्र अंतर मन में धधक रहा है मजा तो तब आता है कि खेल शुरू दूसरे करें और खत्म हम करें। देखो दुश्मन के आदमी मारे जा रहे हैं, वो पलट कर वार करेंगे, अपना ख्याल रखा करो। और अगर पुलिस को पता चल गया कि हमारे धंधे में इतने पैसे हैं तो हम एक गुलाम अली को खत्म करेंगे, वो दूसरे को जिंदा करेंगे। मतलब समझ लीजिए अगर एक आदमी का खून हुआ तो पुलिस का पेट भरना पड़ेगा, वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। इसीलिए मेरा कहना है कि कानून छूटा है, कि कानून सिर्फ सिर्फ गरीबों के लिए बना है। मुकुंद ये तो मैं समझ गया, लेकिन अब जिस कारण से ये तुम सब कुछ मुझे बता रहे हो वो कारण भी बता डालो। इरशाद भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम कानून के दायरे में रहकर पैसे देकर किया जा सकता है उसके लिए हमें पुराने जमाने के महाराजाओं की तरह लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। मुकुंद मेरी खबर के मुताबिक गुलाम विमोचन को और अधिकारी को दोनों को अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। तो क्या विशाल भाई, बाप के भी बाप होते हैं, उस्तादों के भी उस्ताद होते हैं। अब मुझे एक चांस दीजिए, मैं बिना खून भाई आपकी खून की बीमारी ठीक कर दूंगा। मुकुंद तुम होश से तो बात कर रहे हो, कहीं कोई नशा वशा करके तो नहीं आए। निशाद भाई बॉस हैं आप मेरे, पर मैं कोई ऐसा नशा करके नहीं आऊंगा जिससे मैं अपने होश खो दूं। हाँ जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना तो अच्छे अच्छे आइडिया दिमाग में आते हैं। आप बस मुझे एक चांस देके देखिए, आपका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। इस बार क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? 2 हफ्ते के लिए आपको अपना कारोबार बंद करना होगा, फिर देखिए विमोचन और उसके आदमी क्या करते हैं, और कुछ दिन बाद आप उन्हें जेल के अंदर देखेंगे और अपने आप को देखेंगे फुटबॉल के मैच में चीफ गेस्ट बन के विनर टीम को ट्रॉफी देते हुए। फिर इन शरीफ चेहरों के पीछे छिपे हुए बदमाश चेहरे इन्हीं की तलवारों से काटेंगे। ठीक है मुकुल, कुछ दिनों के लिए हम ये कारोबार बंद कर देते हैं, तुम अपने तरीके से इस समस्या को हल करके देखो। जी शर्मा दादा, अंदर की बात है तो अंदर के लोगों की शेयर कर सकता हूँ। इरशाद भाई के काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए गुवाहाटी जा रहा हूँ मैं, पर मेरी गैर हाजिरी में धंधे को आप लोगों को ही संभालना है। तो बशीर को भी साथ लेता जाना। नहीं दादा, अब बशीर अगर मेरे साथ जाएगा तो आपके साथ कौन रहेगा, आप अकेले पड़ जाओगे। अरे ये कहाँ अकेले पड़ेंगे, घाट के पास की बस्ती की सारी औरतें दोपहर को वक्त बिताने के लिए अक्सर इनके पास आ जाती हैं। बातों बातों में समय निकल जाएगा। अजब कर अपने अपनी जगह अपने बाप को आशिक बता रहा। अच्छा दादा चलता हूँ। देख मुकुंद पूरी तरह से होशियार रहना, ये सियासती सरकारी ऊपर से शरीफ दिखने वाले लोग अंदर से बहुत खाग होते हैं। शुक्रिया दादा, मैं ध्यान रखूंगा और सावधान रहूंगा इन नकली शरीफों की दुनिया में। चलता हूँ। आप मुकुंद है ना? जी। मुझे याद है जब पहली बार आप इरशाद भाई से मिलने आए थे, मैं वहीं था। इतने कम समय में काफी नाम कमा लिया आपने, इरशाद भाई भी आपके गुणगान गाते रहते हैं। बाकी इतनी सुबह सुबह आए कोई खास वजह? जी इरशाद भाई ने कहा था कि आप सुबह सुबह घर से बाहर निकल पड़ते हैं, तो मुझे लगा कि जल्दी जाना ही बेहतर होगा, तो मैंने भी सोचा कि आपके जाने से पहले मिल लें।
इरशाद भाई के लिए कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। ये आपको तो मालूम ही होगा, गुलाम अली विमोचन मंत्री एक्साइज अधिकारी के साथ मिलके हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब काम बिना खून खराबे के निपट जाए। विमोचन मंत्री बनके मजदूर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वो सीएम के पसंद के आदमी नहीं है, बल्कि उस गुट से हैं जो खुद सीएम को हरा के अपना आदमी सीएम बनाना चाहते हैं। बेशक दोनों एक ही गुट के हैं। ये अच्छी और नई खबर है हमारे लिए। विमोचन और सीएम के बीच में कभी नहीं बनी। अब हमारी मदद कीजिए, हमारी तो बस यही तमन्ना है कि गुलाम अली और विमोचन मंत्री पर कैसे काबू पाया जाए। इसका हल मैं अकेले सोच के नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ एक आदमी है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। कौन? चाय पियेंगे? जी पहले नैया पार हो जाए, चाय भी पी लेंगे। अब जब आप हमारे पास आ ही गए हैं तो इस समस्या का हल तो हो ही जाएगा, पहले चाय हो जाए। सुधीर जरा इनके लिए चाय नाश्ता लाओ। हाँ तो मैं बता रहा था कि विशेष शर्मा भी अपने आप में कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। नेशनल पार्टी के दिब्रूगढ़ यूनिट का सेक्रेटरी है, सारा दिन पार्टी ऑफिस में बिताता है। उसकी बीवी है भानु शर्मा, क्या औरत है, काफ़ी प्रभावी औरत है। गुवाहाटी रहती है पार्टी की पावरफुल लॉबी के बीच, और बेचारा विशिष्ट शर्मा अपनी शराब और बेगाने शबाब के सहारे टाइम पास कर रहा है। उससे मिलना होगा, बहुत कुछ करवा सकता है वो। तो उनसे कब और कैसे मिला जा सकता है? उसे उस वक्त मिलना होगा जब वो अपनी महबूबा के साथ उसके घर पे होगा। आप लोगों को सतर्क रहना होगा, गुलाम अली का एरिया है वो, थोड़ा संभल के जाना होगा। अरे आओ अलक भाई आओ। जी बैठिए बैठिए। ये मुकुंद खौंद है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और ये हामिद, ये इरशाद खान के साथ काम करते हैं। अलक भाई का फोन आया तो मैं तभी समझ गया था कुछ खास ही बात होगी। पहले ये बताइए कौन सी पियेंगे आप? जी पहले काम की बात हो जाए। अलक भाई जितनी बात आपने मुझे फोन पे बताई है उसके हिसाब से तो ये एक षड्यंत्र लगता है, जिसकी था तक जाना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। और जहां तक मैं जानता हूं विमोचन और गुलाम अली आपस में मिले हुए हैं, और विमोचन सीएम के खिलाफ है और उन लोगों की सपोर्ट करता है जो सीएम के खिलाफ हैं। सीएम ने अपने प्रतिद्वंदी को असम से बाहर भगा दिया है, और वो जो प्रतिद्वंदी है उसने कुछ बिजनेस ग्रुप्स के साथ डील की है कि आप मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसे दीजिए, बदले में यदि मैं सीएम बनता हूं तो मैं आपको कोई टेंडर दिलवा दूंगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो लोकल कम्युनिटी है वो भी सीएम के साथ है। वो सब तो ठीक है पर सीएम साहब तक कैसे पहुंचा जाए? मैं समझता हूं कि सीएम के खास आदमी दशानन और एक्साइज मिनिस्टर श्रीकांत मोहंता से मिला जाए। दशानन प्रदेश की लिकर लॉबी के लीडर हैं, और इन दोनों की सपोर्ट के बिना कोई भी पॉलिटिशियन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। और एक्साइज मिनिस्टर मोहंता, उसका क्या संबंध? दशानन यादव का श्रीकांत मोहंता से बहुत पुराना संबंध है। वो पहले तिनसुकिया में दशानन के वकील थे, और उसी की सपोर्ट से श्रीकांत मोहंता एमएलए बने, और उसी की रिकमेंडेशन से श्रीकांत मोहंता एक्साइज मिनिस्टर बने। आज श्रीकांत मोहंता सीएम का खास आदमी है। तो उन दोनों से पहले मिलने का प्रबंध करना होगा, तो आप ही कुछ कीजिए। इस काम में भानु तुम्हारी कुछ मदद कर सकती है, तुम तो भानु को जानते हो यार, इनकी बात कराओ भानु से। और वैसे भी बड़े सही समय पे आए हो तुम, विमोचन का ग्रुप पार्टी के अंदर ही सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इसके लिए सारे एमएलएज की एक मीटिंग बुलाई गई है, दिल्ली से भी कई बड़े नेता आ रहे हैं, और इस समय सीएम की सपोर्ट में जो भी लोग एमएलए को खरीदने में सीएम की मदद करेंगे सीएम साहब उनको कभी नहीं भूलेंगे। वाह क्या बात है, आपने हमें सही रास्ता दिखाया।
शुक्रिया, चलते हैं। नमस्कार। हमें राजधानी निकलना ही होगा। भानु शर्मा की मदद से दशानंद यादव, मंत्री श्रीकांत और सीएम से मिलना पड़ेगा। भानु शर्मा काफ़ी काम की औरत है, जितनी खूबसूरत और हंसमुख है उतनी एफिशिएंट भी है। हाँ, पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर हम सीएम के पक्ष में खड़े हैं, ये उनको दिखाना होगा। बुकुन, तुम्हें ही जाना होगा। जी शाह भाई। बाद में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो मैं भी आ जाऊंगा। विमोचन मोहाली से भी ताकतवर लोग पकड़कर हमें उनकी चाल काटनी होगी। मुकुंद जी, तुम मेरे साथ आओ। हेलो। हाँ, नीचे 1 करोड़ रुपए लेके आओ। मुकुंद, एक बहुत बड़ी कड़ी हमारे हाथ में आ गई, लेकिन आगे तुम्हें ही रहना जी, क्योंकि वहां गुवाहाटी में लोग मुझे स्मगलर के तौर पर जानते हैं। मेरा सीधे सीधे सामने आना ठीक नहीं है, बस तुम इशारा करते जाना, जितना चाहोगे पैसा पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रहे रुपए। लो मुकुंद, ये 1 करोड़ रुपए हैं। पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर सत्ता के गलियारों में एंट्री चाहिए। आइए। हाँ तो अलग भाई, कैसे हैं सब वहां? इनका फोन आया था मुझे, बताइए क्या कर सकती हूँ। ये मुकुंद साहब है, इरशाद भाई के काफी करीब है, उनके साथ काम करते हैं। बाकी विशेष साहब ने आपको सब बता ही दिया होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी मुझे भी। फिल्मों में काम करना चाहिए आपको। क्यों अलग भाई, ठीक कहा ना मैंने? जी भाभी, आपकी नजर का जवाब नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे याद किया। मुकुंद जैसे स्मार्ट आदमी से भी मुलाकात हो गई, इरशाद साहब से भी मिल लेंगे, अभी तो सिर्फ नाम ही सुना है। भाभी, अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे का रास्ता आप ही हमें दिखा सकती हैं। आसाम की राजनीति अभी बहुत गर्म है, पानी किस तरफ बहेगा कहना बहुत मुश्किल है। रेस के किस घोड़े पर दाव लगाना है सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। जी, हम तो सीएम साहब के साथ पहले से ही हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, और सीएम साहब का विरोध करने वाले लेबर मिनिस्टर विमोचन मोहाली का विरोध जरूर करेंगे हम। तो फिर ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे मिलवा दूंगी। आप इरशाद साहब को भी बुला लें, मैं आप सबको एक ही साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगी। पहले हम दशानंद यादव से मिलेंगे, उनके थ्रू श्रीकांत महंता से, और फिर सीएम साहब। जी बेहतर है, तो मैं इरशाद भाई को बुलवा लेता हूँ। बहुत नाम सुना था इरशाद साहब आपका, लेकिन आज मुलाकात हुई है, वो भी भानु जी की कृपा से। ये तो जर्रा नवाजी है आपकी और भानु जी की, वरना कहां हम छोटे मोटे कारोबारी और कहां आप लोग। क्यों मजाक कर रहे हैं इरशाद साहब, हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप हुक्म तो कीजिए, हम अगर आपके किसी काम आ पाए तो हमारी खुशकिस्मती होगी। इरशाद जी, आपके पास मुकुंद जैसे समझदार इंसान तो है ही, पर हमें पैसा और मैन पावर दोनों ही चाहिए होंगे। सीधी और दो टूक बात यह है कि हमारी अपनी ही पार्टी के लोगों ने सीएम साहब को हटाने के लिए कुछ एमएलए को पटा लिया। सीएम साहब को आपकी मदद की जरूरत है, धन से भी और बाहुबल से भी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आप फिक्र ना करें, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेंबर्स खरीदने के लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी हम देंगे। अरे वाह इरशाद भाई, आप तो दिलों की बात जान लेते हैं। सीएम साहब को बहुत खुशी होगी ये सुनकर, ऐसे बुरे वक्त में भी आप लोग उनकी सपोर्ट के लिए आ गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मंत्री श्रीकांत महंता से आपके बारे में।
ये हैं इरशाद साहब और आप हैं अलग जी और आप मुकुंद जी और इन्हें तो आप जानते ही हैं हमारी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता भानु शर्मा जी। ये सब लोग सीएम साहब को धन जन से समर्थन देने के लिए आ गया है और इनके अलावा अपर असम के बड़े बिजनेसमैन भी सीएम साहब के साथ हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर लाए दशानंद जी, आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आज सुबह कैक्टस में फूल देखा था और अब रेगिस्तान में गुलाब। कविता कह रहे हैं आप, लगता है सियासत से आपका मन ऊब सा गया है। प्रेरणा सामने आ जाए तो अल्फाज तो अपने आप आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। ये लोग सीएम साहब की सेवा में हाजिर होने आए हैं। ये जानकर तो सीएम साहब बहुत खुश होंगे और मैं आपको लेकर चलूंगा उनके पास। आप खुद ही उनसे बात कीजिए और भानु शर्मा जी की बात हम क्या तो सीएम साहब ही नहीं टाल सकते। क्या बात कर रहे हैं श्रीकांत जी, आपसे मुलाकात हो जाए यही बहुत है। सीएम साहब, उनसे मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। वैसे तो आपके बिना पार्टी की कोई भी मीटिंग नहीं होती, लेकिन आप जहां नहीं होती वहां आपका जिक्र जरूर होता है। आप सेवा का मौका दे रही हैं, अहो भाग्य हमारे। आपकी जर्रा नवाजी भी कमाल है श्रीकांत जी, इस वक्त तो इनका काम मेरे लिए सर्वोपरि है। शर्मा जी का खास फोन आया था इनके लिए। तो मंत्री जी, कब मुलाकात हो सकती है सीएम साहब से? मैं अभी बात कर लेता हूं उनसे। सीएम साहब से कहिए हम उनसे मिलने के लिए अभी आ रहे हैं। थैंक यू। तो चले सर। चलिए। सीएम साहब, ये सब आपके समर्थक हैं, जैसे कि मैंने आपको टेलीफोन पर बताया था। इस प्रेशर के समय में ये सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि अपर असम के जितने भी व्यापारी हैं वो सब आपके साथ हैं। देखो, हमें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं चाहिए, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए। हमें इंडस्ट्री आने से राज्य में खुशहाली आएगी। मैं एक इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा था, बीच में ये एक समस्या, ये एक महीना एक साल की तरह लग रहा है। और ये विमोचन बाबू भी तन मन धन से हमारी खिलाफत में लगे हैं, इन बेचारे व्यापारियों को बहुत तंग कर रहे हैं। विमोचन सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, इनके व्यापार में भी बहुत दखलंदाजी कर रहे हैं। सीएम साहब, विमोचन का कुछ करना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, हमें टी स्टेट में अपना बेस और मजबूत करना चाहिए, अपने लोगों को वहां भेजकर मजदूरों का नेतृत्व करना चाहिए। और समय की मांग भी यही है कि अपने लोगों को चाय के बगानों में घुसना चाहिए और वहां मजदूर नेता पैदा करके उन्हें बाहर लाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अपने कुछ लोगों को वहां पर टी स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, इससे अपनी पार्टी को फायदा होगा। जी जी, हम सब आपका इशारा हम समझ गए हैं। हम और मुकुंद आज से चाय बागान की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम। क्यों शाह भाई? बिल्कुल ठीक है श्रीकांत बाबू, मिलते हैं। ठीक है सीएम साहब, इजाजत दीजिए। इजाजत, धन्यवाद। ये विमोचन महाली हमारे साथ साथ सीएम साहब के लिए भी खतरा बन चुका है। मैं समझाऊंगा और बताऊंगा, मैं बात करूंगा सीएम साहब से। मंत्री जी, ये आपके लिए छोटा सा प्रसाद, और भी देंगे, जब जब आप चाहेंगे देते जाएंगे, बस हमारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जरूर, और सीएम साहब बहुत खुश होंगे। जी, बहुत खुश होंगे। सीएम साहब, 10 एमएलए खरीदने का माल अभी हमारे हाथ में आ चुका है।
ये जो नई पार्टी अभी आई थी ये आपको बहुत समर्थन दे रही। गुड। भानु जी, आपके सीएम साहब तो बहुत कम बोलते हैं, शायद थोड़े में ज्यादा कहने की कला में माहिर हैं। जी, जो लोग उनके करीब रहते हैं वो समझ ही जाते हैं। हर धंधे की अपनी भाषा होती है। सही कहते हो मुकुंद, सियासत कारोबार ही तो बन गई है। वैसे आप लोगों में किसी भी फील्ड की बारीकियों को समझ लेने का खास हुनर तो है। अपनी अपनी समझ होती है, चाहे उसे नौकरी में इस्तेमाल करो चाहे धंधे में। भानु जी, वो सियासत हो, तेल की मिल हो या चाय का बगान हो, दिमाग की जरूरत तो हर जगह रहती है, और फिर हमारे धंधे में तो कुछ ज्यादा ही रहती है। बिल्कुल ठीक फरमाया शाद भाई। खैर भानु जी, जब तक फाइनल डिसीजन ना हो जाए या जब तक सीएम साहब की समस्या सुलझ ना जाए, मुझे लगता है कि हमारे लोगों का यहाँ रहना बेहतर होगा। तो फिर ठीक है मुकुंद, यही ठहर जाए, जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो वापस भेज देंगे। ठीक है भानु जी, अगर मुकुंद यहाँ रहेगा तो मुझे भी किसी किस्म की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। तो फिर इजाजत है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुंद, जैसा भी हो जो भी हो मुझे इतला देते रहना। जी शाह। बिल्कुल सही कहा इरशाद भाई ने, एकदम सही बात करते हैं। हेलो बर्मन साहब। हाँ जी बोल रहा हूँ, कहिए। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। लेकिन आप है कौन? वो मैं नहीं बता सकता, बस अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी कि विश्वजीत साहब अपनी भाभी के मर्डर केस में जेल में बंद है। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, उन्होंने ही मुझे ये खबर आप तक पहुँचाने को कहा है, और साथ ही ये भी कहा है कि जैसे ही आपको वक्त मिले अब उनसे मिलने गुवाहाटी जेल आ जाइए। हाँ उनसे कहिए, फिक्र ना करें, मैं आज ही उनसे मुलाकात करता हूँ। भविष्य के नेत्र अंतर मन में धधक रहा है।